हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातों के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए, और हमेशा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए। देखिए, शहजाद खान जी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं मैं। जैसा कि शहजाद खान ने भी अभी इस मुहूर्त के अवसर पे कहा कि मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहता हूं जिसे 3 पुश्त के लोग एक साथ बैठ के देख सकें। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वैसी फिल्म में गीत संगीत देने का अवसर प्राप्त हो रहा है जिसमें निर्देशक जो है वल्गैरिटी से दूर रहने की बात कर रहे हैं, और ऐसा काम करने में आनंद आता है क्योंकि भोजपुरी की जो असली पहचान है उस पहचान से हमारे बहुत सारे साथी दूर हो गए हैं। तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि शहजाद खान जी ने कहा कि हम गीत संगीत या सिनेमा का कोई ऐसा सीन ऐसा नहीं होगा जो किसी भी दर्शक को लज्जित करे या विवश करे इस बात को कहने के लिए कि भोजपुरी में अभी भी ऐसी चीज़ें व्याप्त हैं जो जिसका दावा लोग हमेशा ठोकते रहते हैं कि हम इससे दूर हैं। तो
हमारे चंपारण से हैं, हमारी ओर से, चूँकि मैं भी उसी माटी से हूँ और चंपारण से होने के नाते स्पेशली उनको मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ और उनके आगे बढ़ने की शुभकामना देता हूँ। अच्छे फिल्म बनाएं, हमसे अच्छा संगीत लें, गीत लें, और गीत संगीत का जिम्मा उन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने तमाम भोजपुरी दर्शक श्रोता बंधुओं को मैं अपने गीत संगीत से प्रसन्न करूंगा, फिल्म में उन्हें आनंद प्राप्त होगा, मेरी ऐसी कामना है, मेरी ऐसी सोच है, और मैं अपने सोच के हिसाब से और जो निर्देशक हमारे हैं उनके सोच के हिसाब से आप सबों को एक स्वच्छ स्वस्थ संगीत गीत आपको दूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। मीना जी, बिहार में कभी चंद्रचंद्राज में बाढ़ को लेकर के पटना कार्यक्रम हुआ, तो बोलते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार के लिए। देखिए एक चीज़ बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं वो पटना के लिए क्या किए हैं ये पटना देखता है, लेकिन आजकल की जो जनता है उसे अचानक कोई दुख आता है तो वो पुराने जो भी काम किए हुए होते हैं उसको किनारे पर रख करके अपनी बात कहती है जनता। जनता को कहने का हक भी है, क्योंकि पटना की आबादी जिस तरह से बढ़ी है उस तरह से बाकी व्यवस्था नहीं बढ़ी, नाली जो है उसका प्रॉब्लम है। मैं खुद ही कंकड़बाग में, मेरा भी अपना मकान है, कंकड़बाग इस बार जो समस्या थी बहुत गंभीर समस्या थी, अचानक बरसात से उत्पन्न ये समस्या उस बात की ओर इंगित करती है कि जिस तरह की आबादी बढ़ी है उस तरह की व्यवस्था नहीं बढ़ी है, और कहीं ना कहीं हमारी सरकार है, हम इस बात को अपने ऊपर लेते हैं कि हम समस्या को जितना हमें रोकना चाहिए तो हम नहीं रोक पाए, लेकिन मिला जुला कर अगर ये बात कहें तो नीतीश कुमार जी का प्रयास अच्छा रहा है, नीतीश कुमार जी ने अपना प्रयास ठीक किया है और जो समस्या है उसके लिए अब हम लोग गंभीरता से लिए हैं, क्योंकि समस्या आज की तो है नहीं, 40 साल पहले 44 साल पहले बाढ़ आई थी जो पटना की समस्या वैसी समस्या इस बार हुई थी, तो 44 साल सिर्फ नीतीश कुमार जी तो थे नहीं, 15 साल थे। तो मुझे लगता है कि हम हैं सरकार में तो हमें हमारे ऊपर दोष आएगा, और हम जनता के दुख के साथ हैं, जनता दुखी थी, जनता को समस्या हुई और जनता ने जो कुछ भी कहा हम सर आँखों पर लेते हैं, और हम अपनी सरकार की तरफ से, उतने बड़े नेता नहीं हैं फिर भी अपनी सरकार की तरफ से ज़रूर कहेंगे कि आज के बाद, इस मौसम के बाद, इस बरसात के बाद शायद ऐसी नौबत राजेंद्र नगर और कंकड़बाग के इलाके में जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारी जनता है, उनको नहीं आएगी। हम लोग इस पर ऊपर सरकार और नीचे सरकार दोनों सरकार की बैठकें हुई हैं और काम हो रहे हैं, अभी कोई अगर पटना गया होगा तो ज़रूर उसे काम दिखाई पड़ा होगा। बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो अपने स्तर पर हेल्प नहीं कर रहे हैं, पप्पू यादव का नाम सामने बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पप्पू यादव के स्पेशली धन्यवाद है, पप्पू यादव को धन्यवाद देना इसलिए लाजमी है कि पप्पू यादव अपने भारी भरकम शरीर के साथ जितना मेहनत करते हैं कोई और नेता नहीं करता, शायद मैं भी उतनी मेहनत नहीं कर पाता हूँ, मैं भी, मेरा भी बाढ़ का क्षेत्र है, मैं भी पानी में घुसता हूँ, मैं भी पानी में जाता हूँ, हाफ पैंट और गंजी पहन के घूमता हूँ बाढ़ में, हाँ बनवाया, लेकिन मैं राजनीति से हट के पप्पू यादव जी को स्पेशल थैंक्स कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा कि वो जनता के बीच में अपना समय देते हैं और इस बाढ़ की समस्या जो आई थी कंकड़बाग और राजेंद्र नगर की, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने किया है, और समाज की भक्ति, देश की भक्ति उनकी प्रदर्शित हुई है, हमको उनसे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि अच्छा काम करते हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इस फिल्म में आपका संगीत है, किस तरह का होगा, क्या है? संगीत अच्छा होगा, और हमारे निर्देशक महोदय ने कह भी दिया है कि हमारी इस फिल्म में कोई ऐसे गंदे सीन नहीं होंगे, कोई ऐसा गंदा गाना नहीं होगा, और संगीत तो गंदा होता नहीं, गीत गंदा होगा या दृश्य के जो डायलॉग्स होंगे वो गंदे होंगे या दृश्य गंदा होगा, संगीत गंदा नहीं होता, वो सरस्वती की मतलब एक ऐसी सरस्वती का एक ऐसा रूप है, वो गंदा हो ही नहीं सकता,
गीत अच्छे होंगे, संगीत अच्छा होगा और फिल्म जैसा हमारे निर्देशक महोदय ने कहा कि फिल्म में तीन पुश्त तीन पीढ़ी की व्यवस्था होगी, तीन पीढ़ी के लोग एक साथ इस फिल्म को देखेंगे, किसी को किसी से लाज और शर्म की बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। भोजपुरी फिल्मों में अगर डायरेक्टर कहता है कि हमारे फिल्म में हमारी फिल्म में कोई ऐसा गाना नहीं होगा, हमारी फिल्म में कोई ऐसा सीन नहीं होगा, तो लॉर्ड्स ऑफ थैंक्स टू शहजाद खान, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें, चंपारण का नाम रोशन करें और कामयाबी उनके कदम चूमे। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नीतीश जी 15 साल से सत्ता में आए, तो 15 साल से जब सत्ता में रहे तब देखिए, मैंने कहा कि जो भी स्थिति हुई है उसकी जिम्मेवारी मेरी सरकार ले रही है, इससे हम नहीं भाग सकते। जिम्मेवारी आप ले रहे हैं, लेकिन जब 15 साल से आप सत्ता सेम ऐसी नौबत में आ रही है, देखिए एक चीज बता, देखिए बता रहा हूँ, आपका प्रश्न सही है, जनता को परेशानी हुई ये भी सही है, हमारी सरकार प्रयास कर रही है ये भी सही है, लेकिन मैं एक बात बोला हूँ कि पटना शहर पे जिस तरह से पॉपुलेशन है, जिस तरह से जनसंख्या का दबाव है, उस दबाव को देखते हुए जिस तरह से ज़मीन का अतिक्रमण है, जिस तरह से नाला नाली के ज़मीन में पॉलीथीन लोग डाल रहे हैं, उस तरह से मेरा कहना है कि नीतीश कुमार जी हों या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, आज शौचालय के ऊपर इतनी बात हो रही है, शौचालय बनाने के लिए एक सहयोग राशि भी दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज भी सड़कों पर शौच कर रहे हैं, तो हमारे ये बड़े नेता या हम लोग लालटेन या टॉर्च लेकर के सड़क पर तो बैठे नहीं हैं। तो कुछ ऐसी भी बातें हैं जो जिम्मेवारी हमारी जनता को भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि हम जहां रह रहे हैं वहां के वातावरण को साफ रखें, हम जब हमारा कचरा रखने का डब्बा रखा हुआ है उसके बावजूद पॉलीथीन में कचरा बांध करके और नाले पे फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सरकार को ही सोचना है, अगर हिंदुस्तान में स्वच्छता लाना, हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाना, हिंदुस्तान को साफ सुथरा देश बनाना है, तो जितनी भूमिका नेताओं की है उससे कम भूमिका जनता की नहीं है। तो मेरा जहाँ तक है कि हम जनता को तो दोष नहीं दे सकते, हम अपनी व्यवस्था की कमी जो है उसके लिए हम ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह जनता का दबाव है, जिस तरह आबादी है, उस तरह हमारी व्यवस्था नहीं थी जिसके चलते ये समस्या हुई, आइंदा नहीं होगी, हम इसके लिए तटस्थ हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आप विनय जी खेसारी लाल यादव बिग बॉस में जा रहे हैं जी, खेसारी लाल यादव बिग बॉस में जा रहे हैं, हाँ आपकी शुभकामनाएं चाहिए, हाँ खेसारी जी के पास मेरी हार्दिक शुभकामना है, बिग बॉस में जाएं, अच्छा करें, लेकिन हम दिल से शुभकामना तब देंगे जब ये तीन बच्चे पद्मश्री पाए, पद्म विभूषण पाए, क्योंकि खेद है, मुझे तकलीफ़ है कि इतने बड़े सिंगर हैं, इतने बड़े फैंस हैं, इनकी फैंस फॉलोइंग इतनी बड़ी है ना, लेकिन आज तक इनके पास एक दो चेक नहीं है सरकारी प्रोग्राम का। तो अपने स्तर को सुधारें, अपने गायकी को सुधारें और उस लिस्ट में अपना नाम डलवाएँ, उस लिस्ट में अपना नाम अंकित कराएं जिसमें पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, पद्मश्री शारदा सिन्हा जी और पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का नाम आता है। आज तक पद्मश्री भोजपुरी में मिला तीन महिलाओं को, आज तक किसी पुरुष को नहीं मिला है। तो मैं ये बात पवन सिंह, सिर्फ खेसारी लाल जी के लिए नहीं, पवन सिंह जी के लिए कहूँगा, खेसारी लाल जी के लिए कहूँगा, दिनेश लाल जी के लिए कहूँगा कि ये त्रिदेव अपने आप को देवता मानते हैं, तो ये त्रिदेव कुछ ऐसा काम करें कि इन्हें पद्मश्री प्राप्त हो, पद्म विभूषण प्राप्त हो। ये बिग बॉस में जाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे भोजपुरी स्टार बिग बॉस में जा रहे हैं तो ये हम उनको धन्यवाद जरूर कहेंगे कि बिग बॉस में जा रहे हैं, लेकिन वो बिग सम्मान ये बिग बॉस में जाने से नहीं है, बिग सम्मान है पद्मश्री लाओ, पद्म विभूषण लाओ। बट नेशनल टेलीविजन का सबसे बड़ा शो है, सलमान सर इसको होस्ट करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खेसारी लाल जा रहे हैं और उन्हें भी कहा गया है कि एक बार आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो बोल रहा हूँ कि बिग बॉस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और हमारे भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार पहले भी जा चुके हैं, कोई खेसारी लाल पहला बार थोड़े जा रहा है भोजपुरी से, है भोजपुरी से हमारे बिग बॉस में 4-5 लोग पहले से जा चुके हैं, फिर भी अचीवमेंट छोटा हो या बड़ा हो,
पर्सनल मतभेद मनभेद अपनी जगह है, कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको बधाई मिलनी चाहिए। मैं दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरी भोजपुरी जी, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आंखें गड़ाए बैठी हुई है कि खेसारी लाल यादव और विनय बिहारी ये दो नदी के ऐसे किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते आप। नहीं, ये गलतफहमी है, मैं आपको बता देता हूँ। वो खेसारी लाल जी हों या पवन सिंह जी हों या दिनेश लाल जी हों या मनोज तिवारी हों, सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरा कहना एक ही लाइन में है, आप कहते हैं कि दो किनारे हैं, आपको शायद नहीं मालूम है कि मैंने खेसारी लाल की 15 फिल्में की है और अभी एक फिल्म किया हूँ मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3। हमसे बोला गया खेसारी लाल जी का गाना लिखेंगे, हम कहे क्यों नहीं लिखें, किसी चैनल पर बोला क्या कि मैं खेसारी लाल जी का गाना नहीं लिखूँगा। मैं 600 फिल्मों से ज़्यादा कर चुका हूँ, लेकिन आज भी मुझे भूख है और मेरे लिए कोई फिल्म छोटी और कोई फिल्म बड़ी नहीं होती है। जो चल गई वो बड़ी फिल्म है, जो नहीं चली वो छोटी फिल्म है। जो गाना बज गया वो बड़ा गाना है और जो गाना नहीं बजा वो छोटा गाना है, हमारे लिए यही है। और आज 25 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ और आज भी उतना ही हूँ और बाकी लोगों से मैं अलग हूँ। लोग पार्टी के सैम्बुल पर जीत के आए हैं, मैं निर्दल जीत के आया हूँ। आज जो लोग अपने आप को पार्टी का बड़ा बड़ा नेता मानते हैं, जो बड़ी बात करते हैं या जो लोग जाने वाले हैं, निर्दल जीत के आओ ना, बिना बिहार सैल्यूट मारेगा। अब पार्टी के बल पर तो बहुत लोग जीत के चले गए, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तो कौ चला गया है, तो क्या कहेंगे उसको। हमारी बात एकदम स्पष्ट है, हम स्पष्ट बोलने वाले आदमी हैं, बात कोई खारा खरी हो के चाहे धारा धोरी ना, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, ना हमारी दाल रोटी किसी से चलती है। खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, कोई लाल हो, मकई लाल, मसूरी लाल, उर्दी लाल, कोई लाल हो, काम अच्छा करेगा बोलूँगा अच्छा कर रहा है, काम अच्छा नहीं करेगा हम कहेंगे अच्छा नहीं कर रहा है। इसलिए हमें किसी से दाल रोटी नहीं प्राप्त होती है। मैं भोजपुरी के लिए बना हूँ, भोजपुरी में काम करता हूँ, मेरे लिए हर स्टार खेसारी लाल है, हर स्टार पवन सिंह। सर आप मतलब ये कह रहे हैं कि जो तीनों स्टार हैं भोजपुरी के, तो आप उनको मतलब सब लोग उनसे डरते हैं, कि आप अपने दम पे रह रहे हैं इस इंडस्ट्री? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा खर्चा किसी से नहीं चलता, मेरा मालिक ऊपर वाला है और मैं ऊपर वाले की मर्जी से यहाँ हूँ, जिस हालात में हूँ। मुझे किसी का उस तरह का सहयोग प्राप्त तो नहीं हुआ है और ना मैं किसी से सहयोग मांगने आया हूँ, ना मांगता हूँ। जब मैं इंडस्ट्री में आए थे तो लोग पता भी नहीं था कि लोग जन्म लिए थे कि नहीं जन्म लिए थे, तो मुझे क्या इन लोगों से लेना है। लेकिन एक चीज़, हर आदमी जो बड़ा होता है उसके हाथ में आशीर्वाद होता है, तो अगर ये बच्चे अच्छा करते हैं तो मेरा आशीर्वाद है। मुझे दुख जिस बात का है, जिस बात के लिए मैं दुखी हूँ कि आज तक पद्मश्री 3 महिलाओं को मिला, 3 पुरुषों को क्यों नहीं मिला। आप इतने बड़े स्टार हैं तो आपको पद्मश्री क्यों नहीं अच्छा काम करते, भोजपुरी को उस लेवल पे ले जाइए कि आपको पद्मश्री प्राप्त हो। और मैं इसलिए भी ये बात बोल रहा हूँ कि औधी गायिका है माननीय अवस्थी जी, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती है। मैथिली गायिका हैं शारदा सिन्हा जी, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती हैं। मगही गायिका हैं विंध्यवासिनी जी, भोजपुरी गा के पद्मश्री पाती हैं। अरे आप लोग 25 साल 30 साल 10 साल 15 साल 5 साल से खाली भोजपुरी गा रहे हो, तो क्या गा रहे हो जो पद्मश्री नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? तो पैसा लेके क्या जाओ? अच्छा गाना खेसारी के लिए अच्छा गाना लिखोगे तो शायद। अभी मैं लिखा मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 में मैंने लिखा खेसारी जी के लिए, और नहीं, पद्मश्री मेरे लिखने से नहीं मिलेगा। अगर आप कमेंट में बात कर रहे हैं तो मैं आपको उसी लहजे में बात करूंगा कि गायक जो है अच्छा गीत गाएगा। आप एक बात सुनिए कि शारदा जी ने अच्छा गीत नहीं गाया होता, शारदा सिन्हा जी आज पद्मश्री पद्म विभूषण दोनों प्राप्त की, तो बताइए ऐसे पद्मश्री तो नहीं मिला होगा। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ एक गीतकार का कोई गीत गायक नहीं गाता है, आजकल तो एक एक हीरो के पास 5-5 गायकों की एक टोली रखी हुई है ना, तब गाना लिखवाया जा रहा है। गाने का ना मीटर है, ना गाने का मीनिंग है, ना गाने का लिंग है ना, एक ही गाने में आप और तुम दोनों बोला जाता है। ऐसे ऐसे गाने आए हैं,
तो ऐसे गानों से पद्मश्री नहीं प्राप्त होगी। पद्मश्री के जो चयन करता है वो आईएएस अफसर होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। ऐसे ही पद्मश्री चॉकलेट नहीं है कि मुंह खोला मुंह में डाल दिए, ऐसा नहीं है। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।